हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल का भुगतान आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। यानी कि यहाँ हम बात करेंगे ओनली SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो ये SBI क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन में आप बहुत इजी से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात में 4 पार्ट्स है, MGVCL, UGVCL, PGVCL, DGVCL। तो यहाँ मैं मध्य गुजरात में हूँ, तो यहाँ MGVCL का बिल आता है मेरे पास। तो आपके लिए मैंने यहाँ एक सैंपल रखा है, जो मेरा MGVCL का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो है। तो यहाँ अमाउंट भी मेंशन की है, प्लस आपको मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लेके आपको जो ग्राहक नंबर है वो मैंने अवेलेबल करवाया है। यहाँ आपका ग्राहक नंबर है, मीटर नंबर, दोनों आपके बिल में अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं SBI की क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन में। तो ऑलरेडी अगर आपके पास SBI के क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन होगी तो आप इजीली पे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं SBI क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ओपन कर दीजिए। तो ओपन करने के बाद यहाँ आपको पासवर्ड डालना है या फिर MPIN जो कोई भी आपने सेट किए वो सेट कर दीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ आपको ई स्टोर पे जाना है। जैसे कि आप लास्ट में यहाँ आपको 4 मेनू दिखाई दे रहे हैं, वो 4 ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ई स्टोर का। तो ई स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप ई स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ जो पेमेंट ऑप्शन है वो बिल और इलेक्ट्रिसिटी का, वो यहाँ नीचे की ओर आपको लास्ट में दिया गया है, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने एरो किया है तो उस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको लास्ट में प्रोसीड का बटन दिया गया है, तो वहाँ पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है। तो जैसे आप प्रोसीड के एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ आपको बिल और रिचार्ज वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप अपना पेमेंट, बहुत सारे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर मोबाइल, लैंडलाइन, DTH और बहुत सारे आपका म्यूनिसिपल के टैक्सेस भी आप यहां से पे कर सकते हो। तो लेकिन यहां हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी, तो उस पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें यहां इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान करना है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करोगे तो यहां आपको एक ऑप्शन दिया गया है, वो आप देख सकते हो। तो यहां आप अगर MGVCL या फिर किसी भी आप इलेक्ट्रिसिटी के बिलोंग करते हो, या अगर गुजरात में है या फिर दिल्ली में है या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगता है, तो वो बोर्ड को यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मेरा MGVCL है तो मैं MGVCL पे सिलेक्ट करता हूँ। तो MGVCL सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें ग्राहक नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कंज्यूमर नंबर, यानी कि ग्राहक नंबर, जो मैंने पहले आपको स्क्रीन पे दिखाया था वो कंज्यूमर नंबर है। तो वो कंज्यूमर नंबर आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मैंने कंज्यूमर नंबर प्लस अमाउंट दोनों मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो कुछ इस तरह आपको ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ आपको सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है पेमेंट मेथड, जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिया गया है। तो पेमेंट मेथड में आपको क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है। तो ऑलरेडी यहाँ आपको ओनली क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको सिलेक्ट करना है क्रेडिट कार्ड। उसके बाद यहाँ आपको एक्सपायरी मंथ एंड ईयर जो आपके क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ एंटर करना है, प्लस आपको CVV कोड भी यहाँ डालना है। तो चलिए मैं यहाँ अपने जो क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ प्लस ईयर प्लस CVV कोड, मैं इन तीनों को एंटर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ मैंने CVV कोड प्लस मेरा एक्सपायरी मंथ प्लस यहाँ एक्सपायरी ईयर भी मैंने मेरा जो क्रेडिट कार्ड का है वो ऑलरेडी ऐड कर रखा है। और उसके बाद अब यहाँ आपको पे करना है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक OTP जाएगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कन्फर्म एंड पे, यानी कि फिर से आपको यहाँ चेक करना है कि आपका कस्टमर नंबर वही है, जो आपने अमाउंट डाली वो भी सही है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको चार्जेस कोई भी नहीं लगेगा क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने से। तो चलिए यहाँ कन्फर्म एंड पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप कन्फर्म एंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड के साथ रजिस्टर होगा, वो नंबर पे आपको एक OTP जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है और कन्फर्म करना है, यानी कि सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ आपका जो बिल का भुगतान है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद तुरंत ही आपको एक मैसेज भी आ जाएगा। तो यहाँ मैंने जैसे ही पे किया तो आई थिंक मुझे 2 सेकंड के अंदर ही मेरा जो बिल का भुगतान हुआ है उसका एक SMS भी मुझे मिल चुका है कि आपका जो पेमेंट है वो प्रोसीड हो चुका है।
उसके बाद यहाँ आपको बिल पेड सक्सेसफुली का ऑप्शन दिया गया है, वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ आपने जो भुगतान किया है 1510 रुपये प्लस कंज्यूमर नंबर प्लस आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर भी यहाँ मौजूद है, लेकिन वो पूरा नहीं दिखाई देगा। प्लस यहाँ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो भी यहाँ मेंशन किया गया है, वो आप चेक कर सकते हो। तो जैसे कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ लास्ट में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका जो बिल पेमेंट है उसका जो आपको PDF फाइल या XLS फाइल में आपको मिल जाएगी आपके माई फाइल्स में, तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ में आपको स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते लेकिन यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।